हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू एग्जाम आर हाउ आर यू ऑल डूइ आई होप ऑल्फोर डूइंग ग्रेट ऑल्फोर फाइन एंस सेफ आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्यू जर्नलिजिज्म सी यू ई टी एग्जाम जो जर्नलिज्म का एग्जाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम के आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ठीक है कैसे चूज कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी उसके बाद उन सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन कैसे करनी है सिलेबस क्या है ठीक है उसके बाद बुक्स कौन सी में से पढ़ना है ठीक है कितने टाइम में आप पढ़ सकते हो हाउ टू स्टडी ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले आता है डेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म ठीक है ना तो इन विच यू कैन डू बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म इफ़ यू चूज टू लीव द कोर्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड कैन कंटिन्यू इट फॉर फाइव ईयर फॉर द मास्टर्स तो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स एक साथ हो जाती है द कोर्स इज ऑफर्ड ऑफर्ड इन बाय मोड इंग्लिश एंड हिंदी ठीक है ना एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं ठीक है तो कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन सी एग्ज़ाम तो सी के एग्ज़ाम में आपको अपियर होना पड़ेगा तो एक तो या फिर तो कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन है दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए या हिंदी ठीक है ना सेक्शन थ्री ऑफ सी टी जनरल टेस्ट तो मतलब आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक एग्जाम देना होगा और क्या देना होगा आपको जनरल टेस्ट देना होगा ठीक है ना अगर आप डेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये दोनों एग्जाम्स आपको देने होंगे सीयू टे के क्लियर है इस बात पे मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सी टी स्कोर्स ऑप्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ठीक है ना तो आप कोई भी चूज कर ले इंग्लिश हिंदी में से आपके पास चॉइस है जिसमें भी आप बच्चे हैं वो आप चूज कर सकते हैं जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा थोड़ी तो देर में हम डिस्कस करेंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं तब तक देखते हैं कि दूसरे प्रोग्राम्स की क्या रिक्वायरमेंट है जो जर्नलिज्म के ही प्रोग्राम्स हैं बी ऑनर्स इन जर्नलिज्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं वही सी का एग्जाम देना पड़ेगा देखिए या तो आप इंग्लिश जो इंग्लिश का एग्जाम है वो तो कॉमन है दोनों कॉम्बिनेशन में इंग्लिश का एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा ठीक है ना बट आप दो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं बी वन लिस्ट में से ठीक है वो मैं लिस्ट दिखाऊंगी और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन और बी टू एनी वन मतलब बी वन में से कर लो या फिर बी टू में से भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं टोटल फोर एग्जाम्स हो गए आपके यहाँ पर ठीक है ना और अगर नीचे वाला कॉम्बिनेशन देखे तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देखना पड़ेगा अब आप कहोगे अरे जनरल टेस्ट ईजी लगता है क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर सिर्फ एक एग्जाम दिया बट अगर हम जनरल टेस्ट का सिलेबस देखते हैं तो जनरल टेस्ट का सिलेबस बहुत फास्ट है उसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज भी आती है जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं जिसके अंदर क्या करना है आपको करंट अफेयर्स भी कवर करने होंगे और आपको स्टैटिक जीके भी कवर करनी रहेगी ठीक है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है मैथ्स उसके बाद तीसरा जो बनता है वो बनता है लॉजिकल रीजनिंग ठीक है ना तो ये वाले सब्जेक्ट मतलब जनरल टेस्ट एक आ, एक सब्जेक्ट का नाम हो गया बट उसके अंदर जो है ये तीन से चार सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो अगर आप इनमें अच्छे हैं और मान लीजिए आप ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बढ़िया तैयारी आपकी हो रखी है तो आप फिर कॉम्बिनेशन टू के लिए जाइए बट अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं

देखिए सबसे पहले तो इफ़ यू आर गुड इन द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर इन योर ट्वेल्थ क्लास गो विद टेम बिकॉज आप देखिए वन ऑलमोस्ट वन ईयर से आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो आग, अगर आपके सब आप उन सब्जेक्ट्स में बहुत बढ़िया हैं तो आप वही चूज करिए अपने सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी चेंज मत करिए बिकॉज हमारा एम क्या है कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है ठीक है ना देखिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो हमने करनी है बट मैक्सिमम स्कोर जो हमने ये ये सब्जेक्ट्स या इस लिस्ट में से चूज करना है वो वही चूज करिए ठीक है ना इफ़ देयर इज वन और नो सर सब्जेक्ट चूज अट स्टडीड इन टिल टेंथ आपने स्टडी किया है तो फिर अगर आप न्यू सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हो जो कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी बट फिर भी अगर किसी रीजन की वजह से तो आप एन सी आर टी बुक जरूर एक बार खोल कर देख लेना ट्वेल्थ की एन सी आर टी बुक का ही मेजर सिलेबस है ठीक है ना तो ये आपको करना है और हाँ आगे भी पूरी वीडियो देख लीजिएगा बिकॉज आपको देख लेना चाहिए कि जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या है बिफोर यू डिसाइड दैट यू वांट टू गिव दैट टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना सिलेबस है कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे उसके बारे में कैसे पढ़ना है ठीक है देख लेते हैं तो बी ए ऑनर्स जर्नलिज्म कौन कौन से कॉलेजेस प्रोवाइड करे और उनमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है तो पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका लेडी श्री राम हो गया कालंदी कॉलेज हो गया कमला नेहरू हो गया ये जो बेस्ट कॉलेज हैं कुछ उनमें है महाराजा अग्रसेन हो गया डेली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकनॉमिक्स ठीक है उसके बाद भारतीय कॉलेज हो गए ये सारे कॉलेजेस हैं जो बी ए ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स प्रोवाइड करते हैं अगर आप बीए करना चाहते हैं मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं देखिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए ठीक है कोई भी एक एक लैंग्वेज एक वन लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा आपको कोई भी ठीक है फिर यहाँ पर इस वाली के लिए आपका मास मीडिया जो सब्जेक्ट है मास मीडिया मास कम्युनिकेशन का जो यू नो टिक सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना ये कंपलसरी है इस वाली बी के लिए एंड प्लस यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया है ठीक है ना तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक ही कॉम्बिनेशन है तो मास कम्युनिकेशन जनरल टेस्ट लैंग्वेज पेपर ठीक है तो ये आपका बनेगा मास कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही कॉलेज है जो ये प्रोवाइड करता है इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन ठीक है ना बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि इंग्लिश का एग्जाम देंगे तो हमें क्या करना है देखिए फर्स्ट रन के अंदर अगर हम इंग्लिश अगर आप मेरा एनालिस देख देखना चाहते हैं मैंने इंग्लिश का पूरा पूरा एनालिस किया है कि कैसे मैं सिलेबस पर अराइव कर रही हूँ कैसे मैंने टॉपिक्स निकाले हैं वो सारा एनालाइसिस किया हुआ है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहशन को खत्म कर दीजिए बिकॉज स्पेसिफिकली मैंशनड है हंड्रेड आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे

एग्जाम के लिए कोई भी आपको कंपटीशन की बुक जो मिलती है वो आप खरीद सकते हैं और एनी वन बुक बहुत ही सही रहेगा एनी वन बुक एक से ज्यादा बुक की आपको जरूरत नहीं है तो इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए ठीक है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करिए कि आप 15 टू 17 मिनट्स के अंदर तीन तीन आरसीज पैसेजेस जो 3300 30, टू 350 वर्ड्स के हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है और एक और बात बहुत बच्चों को लगता है कि हम स्कूल लेवल की बुक में से कर जाएंगे बिकॉज इन्होंने देखिए स्कूल लेवल की बुक में से वी फाइंड आंसर्स हम क्या करते हैं वी फाइंड आंसर्स बट यहाँ पे हमें एनालाइसिस करना होगा और सब कुछ करना होगा तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर मानकर चलिए ठीक है ना तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से रीडिंग कॉम्पिटेशन में स्कोर नहीं हो रहा मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने एक पी शेयर किया हुआ है मेरी वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम वहाँ पे मैंने मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ पे मैंने पी शेयर किया हुआ है फ्री में पी शेयर किया हुआ है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं रीडिंग कॉम्पिटिहशन का थो, थोड़ा सा वहाँ से थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिस फिर एस पी बख्शी आर एस अग्रवाल के लेवल के ही आर के आपने करनी है उससे ज़्यादा के लेवल के आर आपको नहीं करने तो रीडिंग कॉम्प्रीहशन पर आप दस पंद्रह दिन हर रोज एक घंटा डेढ़ घंटा अगर लगाएंगे वन 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 आवर्स लगाएंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप प्रो हो जाएंगे फॉर शोर ठीक है ना रीडिंग कॉम्प्रिंशन के लिए मैंने वीडियो भी कर रखी है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी वो आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी आपको एक बेसिक आइडिया दे देगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम सॉर्टेड है उसके बाद हमने ये पहले टॉपिक कर देना और इसको हमने अभी दस से पंद्रह दिन देकर दस से पंद्रह दिन इसको देकर हमने खत्म कर देना है ठीक है ना टेन टू फिफ्टीन डेज का ही ये टॉपिक है जिसके अंदर हमने क्या बनानी है एक तो स्पीड करेक्ट स्पीड प्लस हमारे आंसर्स करेक्ट आने चाहिए ठीक है उसके बाद दूसरा चलते हैं रीअरेंजिंग पार्ट्स अब एक और जो टॉपिक बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि पैराग्राफ जम्बल्ड पैराग्राफ या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बुक्स में अगर देखोगे तो आपको नाम यही मिलेगा जम्बल पैराग्राफ और सेंटेंस रीअरेंजमेंट ठीक है ना ये भी हमने अच्छे से करके जाने अगेन कोई भी जो आप बुक लोगे एस पी बख्शी आर एस अग्रवाल वहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझाया होता है और बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये दो टॉपिक्स को अगर आप दस दस दिन भी दे देते हो ना बोर्ड एग्जाम्स के साथ भी तो ये

अगर मैं कहूँ फाइव टू टेन वर्ड्स आप एक दिन में याद कर लो वो थोड़ा पॉसिबल लग रहा है ठीक है ना अगर हम टेन वर्ड फाइव टू टेन वर्ड्स हर रोज वन डे में याद करते हैं और सेवन्थ डे पे जाकर ठीक है ना हम सारे रिवाइज करते तो हमारी बहुत सारे वर्ड्स जो है कवर हो जाएंगे अब वर्ड्स कवर कैसे करने देखिए वर्ड्स कवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपको कौन सा तरीका सूट करता है वो मैटर करता है ठीक है एक हमारे पास टाइम कम है तो हम किसी बुक के लिए भी नहीं जा सकते जैसे वर्ड पावर मेड इजी बहुत लोग बोलेंगे वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है उसमें सेशंस होते हैं वो आप कर लीजिए ठीक है बट वो बुक तो बहुत लेंदी है ये बुक तो बहुत ज़्यादा लेंदी है इसकी प्रॉब्लम ये है और हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है तो क्या किया जाए क्या इलाज है इसका देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और न्यूज़पेपर में से न्यू वर्ड्स ढूंढिए बिकॉज न्यूज़पेपर में आपको कुछ कॉमन न्यू वर्ड्स मिलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट भी है कॉमन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ठीक है जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता तो वो मैं आपको अपनी जो न्यूज डेली न्यूज एनालिसिस करती हूँ उसके एंड में हम लोग ये वोकेबलरी वर्ड्स देते हैं तो वो आप यू नो वो फॉलो करिए वो आप देखिए डेली न्यूज़पेपर पेपर एनालिसिस को ठीक है और सेकंड है कि आपको लिस्ट भी याद करना स्टार्ट कर सकते हैं ये एस पी बख्शी आर एस अग्रवाल यहाँ पे आपको बहुत सारे एंटोनिम्स एनॉनम एंटोनम्स की सेम मीनिंग किसका होता है ऑपोजिट मीनिंग ठीक है ये सारा है जो आपको करना है तो आप ये वाली अगर साइनोनम एंटोनिम्स की भी लिस्ट याद करने लग जाएंगे तो भी आपकी वोकैबुलरी होने लग जाएगी तो ओवरऑल टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स पर डे आपको करने पड़ेंगे ठीक है ना तो ये तो करना बहुत ज़रूरी है हर रोज मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये आप बोर्ड्स के बाद में भी आफ्टर बोर्ड्स भी हो जाएगा ये बट जो वोकेबलरी वाला पार्ट है वो विद बोर्ड्स आपको करना पड़ेगा हर रोज करना पड़ेगा क्लियर है इस बात पे चूजिंग द करेक्ट वर्ड मीनिंग पता है अप दिया हुआ मीनिंग पता है तो हम वो वर्ड वहाँ पर लगा सकते हैं राइट तो ये दो ये चार टॉपिक्स इन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से हमें मेंशन किया हुआ है कि ये तो आएंगे ही आएंगे जब इंग्लिश की बात करते हैं हम इन पर्टिकुलर ठीक है ना इंग्लिश की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है तो सेकंड हमारे अब क्या है वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है सिलेबस में जिसका नाम है वर्बल एबिलिटी ठीक है ना वर्बल एबिलिटी जो है ये बहुत ही बड़ा शब्द हो गया है ठीक है इसके अंदर सारी इंग्लिश आ जाती है तो हम क्या करें कोई बात नहीं हमें पता है कि हमारे पास फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे जिसमें से फोर्टी क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं तो अगर हम मतलब कुछ छूट भी जाता है हमारा तो हमें इतनी डरने की बात नहीं है तो हम स्पॉटिंग एरर्स प्रिपेयर करके जाएंगे ठीक है ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रपोजिशन ये वाला टॉपिक पढ़ कर जाएंगे और वन वर्ड सब्सिट्यूशन और ईडियम्स की लिस्ट भी याद करने लग जाएंगे बट वोकेबलरी हमारी इंपॉर्टेंट है देखिए ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा ये तो उन्होंने हंड्रेड परसेंट वाले टॉपिक्स हैं ये वाला हमारा गेस्ट वर्क का है तो हम सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे और किसको पहले खत्म करेंगे ऊपर वाले को ठीक है ना अब ये सारा भी आपका एसपी बख्शी आर एस अग्रवाल में से हो जाएगा ठीक है क्लियर है इस बात पे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज अगर आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है आपने ठीक है सेक्शन थ्री जो आपका वो जनरल स्टडीज जनरल टेस्ट का है ठीक है सिक्सटी क्वेश्चन वो आपको देंगे सिक्सटी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन वो देंगे ठीक है इसके अंदर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स मेंटल अबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी तो अगर मैं क्लियरली बोलूँ जी के मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आता है ठीक है ना जी के मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग इसमें आपको कवर करके जाना है सिक्सटी मिनट्स ही आपको देंगे करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं देखो जी करंट अफेयर्स कवर करने के लिए अगर आपको टिट्स बिट्स का कहीं से एनुअल एडिशन मिल जाता है तो बेस्ट है बेस्ट है क्योंकि आपकी 2021 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कवर हो जाएगी टिट्स टिट्सिट्स के मंथली एडिशंस फॉलो अप कर सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा मतलब जनवरी 2022 से लेकर के आप अपना जून 2022 के टिट्स -बिट्स के के मंथली एडिशंस पढ़ने लग जाइए या एनी अदर मैगजीन बहुत सारी मार्केट में मैगजीन होती हैं जहाँ पे वो सारा आपको मंथ का पूरा का पूरा बता देते हैं या ईयर का एनुअल एडिशन मतलब ईयर की पूरी न्यूज़ इसमें आपको मिल जाती है ठीक है और टिट्स टिट्सपिट्स का सबसे अच्छा आइडिया जो है ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर में है, तो हमें उसमें आपको फायदा ये होगा कि जो भी आप, मतलब न्यूज को ना स्टार्टिंग में समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हो जाता है नहीं बहुत बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है दुनिया में कुछ पता ही नहीं चलता बट जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ोग सुनोगे ठीक है स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट है न्यूज़पेपर एनालिसिस एनालिस जो मैं करती हूँ एग्जाम आय पे आप वो आप सुनोगे तो आपको एक ईजी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड तो ये आप कर सकते हो जो न्यूज की ड्यूरेशन है हम देख जून ट्वेंटी से लेकर के जून सॉरी जून ट्वेंटी से लेकर के जून ट्वेंटी पे फोकस कर रहे हैं ठीक है ना बात करते हैं स्टैटिक जीके के देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे और आपको स्टैटिक जी के भी पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा स्टैटिक जी के भी पूछा जाएगा तो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री जोग्रफी साइंस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया इंपॉर्टेंट पोस्ट ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आपको बेस्टेस्ट तरीका बता हूँ एग्जाम आयर पे सेशंस हो रहे हैं हमारे स्टैटिक जीके के वो अटेंड कर लीजिए फ्री के सेशन है फ्री एग्जाम आयर सेशन ये अटेंड कर लीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड ठीक है बात करते हैं मैथ्स की ठीक है ये भी आपका जनरल टेस्ट का ही पार्ट है ठीक है सारे तीनों ही जो तीनों चारों सब्जेक्ट मैंने बात की है इसमें आपको 18 डेज वंडर सॉल्व करनी है 30 डेज वंडर मत करना 18 डेज वंडर आई थिंक इज द बेस्ट ये द बेस्ट बुक है इसमें आपको फॉर्मूला जितना भी सब कुछ है वो आपका कवर हो जाएगा ठीक है बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की देखिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में सीरीज कंप्लीशन एनोलॉजी कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पजल टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट इसमें आपको आर एस अग्रवाल की बुक चाहिए रहेगी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो आपको पढ़नी रहेगी और इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है ये बुक बहुत मोटी है इसके अंदर सिर्फ आपको ओनली दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट ठीक है ना यही कवर करने सारी बुक कवर करने मत बैठ जाना और इसमें आप सबसे पहले एक्जाम्पल सॉल्व करना और उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव होना एक्सरसाइज में जब लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं रिपिटेशन हो रही है रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे जब क्वेश्चन आपको लगेगा रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओगे और जब ये सॉल्व करते करते आपको कोई ट्रिक्स एंड ऑल पता चलेंगे तब आप क्या करोगे तो आप नोट कर लोगे ठीक है बहुत बच्चे बोलेंगे दी हमारे बोर्ड एग्जाम हैं हम कैसे करने देखो अपनी वोकेब्लरी और करंट अफेयर साथ साथ करनी स्टार्ट कर दो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके वो जून वाले जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए और जो सी यू जब तक होगा वो आपके ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी डेज जो होंगे उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे बट वोकेब्लरी जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए वो कवर करनी मुश्किल है तो वो स्टार्ट कर दीजिए एंड एक और बात अगर आप बोर्ड एग्जाम्स वाले सब्जेक्ट्स चूज करें तो बोर्ड एग्जाम्स में उनको और भी अच्छे से पढ़ें यहाँ पे आपके मास मीडिया के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ठीक है सिनेमा उसके बाद आपका आ जाता है टीवी उसके बाद रेडियो सोशल मीडिया ये सारा सिलेबस मेंशन है वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा देयर आफ्टर ये भी आपका न्यू मीडिया तो आपने सबसे पहले चेकआउट करनी है एनसीआरटी की बुक अपनी अगर एनसीआरटी की बुक में आपका सारा सिलेबस कवर्ड एवेल एंड गुड नहीं तो आपको एक्स्ट्रा अपनी बुक्स में से कवर करना पड़ेगा सो गाइज दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होगी होंगी जर्नलिज्म की और कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंग्लिश और जनरल स्टडीज के लिए और एनसीआरटी की बुक में से भी आपको कैसे पढ़ना है वो सब क्लैरिटी आपको मिल गई होगी सो दैट सेट एग्जाम आई आर साइनिंग ऑफ एल सी यू सुपरसून बाय एंड टेक केयर